करण ने की निशा से जंग करने की तैयारी। बेटे की कस्टडी लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हुए तैयार। इस पूरे मामले पर क्या कहा करण ने, आइए जानते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। घरेलू हिंसा का केस दर्ज होने के बाद से ही करण और निशा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही निशा रावल ने दावा किया था कि वो करण मेहरा के पास अपने बेटे को नहीं जाने देंगी। इसी बीच करण मेहरा ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है। इस दौरान करण मेहरा ने अपनी बेल और बेटे की कस्टडी के बारे में बात की। पिंक विला से बात करते हुए करण मेहरा ने कहा, निशा रावल ने मुझ पर और मेरे परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दायर किया था। मुझे उसी दिन बेल मिल गई थी। मुझ पर दबाव बनाने के लिए निशा रावल लगातार झूठे आरोप लगा रही है। उसने धारा 377 के तहत मुझ पर केस किया है। इसके अलावा उसने मुझ पर दहेज और सेक्सुअल अब्यूज के भी आरोप लगाए हैं। अगर ये सब आरोप सच है तो उसने एक्शन लेने में इतने साल कैसे लगा दिए। आगे करण ने कहा कि उसने मेरे माता पिता और भाई को जेल पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मेरे पास निशा रावल के खिलाफ सारे सबूत है। ट्रायल के दौरान मैं ये सबूत पेश करने वाला हूँ। ये लड़ाई ऐसे ही खत्म नहीं होगी। मैं एक एक करके अपनी परेशानियों का सामना करूँगा। जल्द ही मैं अपने बेटे की कस्टडी भी हासिल कर लूँगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कस्टडी मिलने में कितना समय लगेगा। उसकी वजह से मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। वो असल जिंदगी में कुछ और ही रही है और सोशल मीडिया पर कुछ और बता रही है। जून में निशा रावल ने करण मेहरा पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया था। करण मेहरा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का दावा करते हुए निशा रावल ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। करण मेहरा और निशा रावल की इस लड़ाई ने हंगामा मचा दिया था। गिरफ्तारी के बाद करण मेहरा ने भी निशा रावल पर आरोप लगाए थे। करण मेहरा ने दावा किया था कि निशा रावल एक लालची औरत है। वेल, क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।